हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है रेडमी का नोट 11 टी मॉडल और ये 5G फ़ोन है। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये वाईफाई या सिम डाटा कनेक्ट करने पर इसमें MI अकाउंट बार बार लग जाता है। हटाएंगे, नेट कनेक्ट करेंगे, वापस लग जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर MI अकाउंट नहीं है, और लेकिन जैसे ही हम वाईफाई या फिर सिम डाटा ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर रीलॉक हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने वाईफाई ऑन किया और कनेक्ट होते ही कुछ ही सेकंड में ये रीलॉक हो जाता है। तो यहाँ देखिए, वापस इसमें अकाउंट आ गया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और ये 5G फ़ोन है और ये किसी भी डोंगल बॉक्स में सपोर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका MI अकाउंट रिमूव करेंगे, उसके बाद हम इसको बाईपास करेंगे। तो ये MTK फ़ोन है, तो अभी मैं हाइड्रा का यूज़ कर रहा हूँ। आप UMT या दूसरे टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है डाउनग्रेड वर्जन में ही सपोर्टेड है। मुहैया 12.5 में ये वर्क करेगा मेथड, और 13 में नहीं करता है। तो इसमें अभी हायर वर्जन है और इसके लिए मैं इसको डाउनग्रेड कर रहा हूँ। तो डाउनग्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे हाइड्रा डोंगल ओपन कर लिया है, मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर MI11T एवरगो, तो यहाँ पे अब मैंने फर्मवेयर सेलेक्ट किया है और फर्मवेयर सेलेक्ट करके मैं इसको फ्लैश करूँगा, जिससे ये डाउनग्रेड हो जाएगा और आसानी से हम उसको फिर बाईपास कर पाएंगे और ये प्रॉब्लम दूर कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 12.5.20 मुहैया ली है। तो आप कोई दूसरी भी ले सकते हो। जब भी लो, आपके पास दूसरा फ़ोन है तो आप अपने हिसाब से उसका मॉडल नंबर सेलेक्ट करके फर्मवेयर डाउनलोड कीजिए, लेकिन डाउनग्रेड वाला ही कीजिए जिसमें मुहैया 12 उसके आसपास की हो। तो देखिए, ये MTK फ़ोन है और ये स्विच ऑफ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि MI अकाउंट है तो बैटरी निकालनी पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ पे बैटरी निकालने की जगह इसको फोर्सली रीस्टार्ट करूँगा, जिससे कि ये MTK पोर्ट बना लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा केबल लगा देंगे, वॉल्यूम डाउन और पावर की को प्रेस कर देंगे। और यहाँ देखिए, टूल रनिंग है और फ्लैशिंग के लिए मैंने उसको एक्सिक्यूट कर दिया था। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस डोंगल की जगह दूसरा डोंगल भी ले सकते हैं फ्लैशिंग करने के लिए। मैं यहाँ पे हाइड्रा का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डाउनग्रेड हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसका MI अकाउंट रिमूव करेंगे और उसके बाद कुछ APK इंस्टॉल करने करके ये एंटी लॉक सिस्टम ख़त्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आप फ़ोन को फ्लैश करेंगे या रीसेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वापस ये आ जाएगा दोबारा, फिर दोबारा से आपको ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, फ्लैशिंग हो रही है। आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए वीडियो की स्पीड मैंने ज़्यादा कर रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्लैश हो चुका है। और देखिए, यहाँ पे ऑन हो रहा है और बूट लोडर इसका अनलॉक है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे एरर आ रहा था कुछ। तो यहाँ पे फर्मवेयर डाउनग्रेड हो चुका है। अगर आपका फर्मवेयर फ़ोन का वो पहले से ही डाउनग्रेडेड है, मुहैया 11 है, 10 है या 12 तक है या 12.5 है, तो भी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप MI अकाउंट हटाएंगे। तो यहाँ देखिए, वापस MI अकाउंट आ चुका है। अब ये MI अकाउंट हटा देंगे। MI अकाउंट आप रिकवरी मोड से भी हटा सकते हैं, बहुत सारे फ्री टूल नेट पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने डायरेक्टली Xiaomi टैब में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए, तीन चार मेथड हैं रिमूव अकाउंट के। मैं यहाँ पे न्यू मेथड यूज़ करूँगा और इसको MI अकाउंट को हटा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, MI अकाउंट हट चुका है और अब हमें फ़ोन का सेटअप कर लेना है, उसको आगे बढ़ा लेना है। और ये देखिए, ये APK है जो कि हमें फ़ोन में डालना है। इस APK का नाम है ड्रोनी और इसका वर्जन है 1.3.154। तो ये फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में डालेंगे और इसी के ज़रिए हम इसको बाईपास करेंगे। फ़ोन की जो एप्लीकेशन होती है अपडेटर और फाइंड माई डिवाइस, उसको डिजेबल कर देंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे OEM और डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद ये
इसमें इंटरनल में आपको इंटरनल मेमोरी में पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है इंटरनल मेमोरी में ये एपीके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मेथड सभी एमटीके फ़ोन में वर्क करेगा, जो भी एमआई के सेट होंगे, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, लेकिन एमटीके होना चाहिए, एमटीके में ये वर्क करेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम फाइल मैनेजर में जाएंगे और किसी तरह की कोई इसमें परमिशन मांगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए एप्लीकेशन है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, चाहो तो आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। और जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांगेगा लोकेशन वगैरह की, उसको एक्सेप्ट कर लेना है और एक बार इसको बैक करके दोबारा से ओपन करना है मेनू से। तो ये देखिए हमने ओपन कर लिया है इसको, और अब इसको स्वाइप करेंगे लेफ्ट साइड और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें अलाउ ऑल कर देंगे और फिर रूल्स वाली टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम प्लस वाला जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन में जा करके जो हमें डिसेबल करनी है वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो एप्लीकेशन को डिसेबल करना है, पहली है फाइंड डिवाइस और दूसरी है अपडेटर। तो जब ये दोनों एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएंगी उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब भी आप फ़ोन को रीसेट कर देंगे या फिर फॉर्मेट या फ्लैशिंग कर देंगे तो आपको ये सब पूरा सिस्टम दोबारा करना पड़ेगा। तो ये देखिए फाइंड माई फाइंड वाली जो एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पे सेव कर ली है और अब हम करेंगे यहाँ पर अपडेटर नाम से जो एपीके होती है उसको। तो नॉर्मल तरीके से जब हम इसको डिसेबल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये इनेबल नहीं होगी। तो ये देखिए दोनों एप्लीकेशन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हैं, अब बैक आ जाएंगे, एक बार फिर से ओपन करेंगे और ये ड्रोनी जो एपीके है अभी तक ऑफ है, ऑन नहीं है, इसको ऑन करेंगे और किसी तरह का यहाँ पे रिक्वेस्ट मांगेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हम फिर से सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है VPN, तो ये VPN हम इसको ऑन करेंगे, किसी तरह की एप्लीकेशन परमिशन मांगेगा उसको ऑन करेंगे। यहाँ पर हमें एक पैटर्न लगाना है और पैटर्न आप अपनी मर्जी से जो भी चाहो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एंड टाइप कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लगा सकते हो पैटर्न, चाहो तो आप पासकोड भी लगा सकते हो। तो देखिए हमारा लगभग सभी काम पूरा हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं पैटर्न लगा या नहीं लगा। तो ये देखिए पैटर्न इसमें लग चुका है और अब हम एक बार सेटिंग में जाएंगे और VPN में जाएंगे और यहाँ पर इसकी जो ऑलवेज ऑन VPN कर देंगे और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट VPN इसको भी ऑन कर देंगे, दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। और हमारे सारे स्टेप पूरे हो चुके हैं, ये डाउनग्रेड हो चुका है, MI अकाउंट रिमूव हो चुका है और एंटी रीलॉक इसमें बाईपास हमने कर दिया है, अब एंटी रीलॉक नहीं होगा, दोबारा ये नहीं लॉक होगा नेट कनेक्ट करने पर। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार वाईफाई कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर वाईफाई। तो ये मैं यहाँ पे आपको नेट कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार गूगल ऑन ओपन करके। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो या फिर इन फ्यूचर अगर आप कभी भी इसको बाईपास करेंगे तो इस वीडियो को देख करके आप इजीली आप बाईपास कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।